हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकेंड रिवीजन क्लास ऑफ SSCPO 2018। उससे पहले आपको बता दूँ, यदि आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको डेली 1000 प्लस इरेवन फ्रेज करा रही हूँ। 2 या 3 वीडियोस डेली अपलोड कर रही हूँ। प्रिपोजिशन में वहाँ पर अपलोड कराया, और जो मैं आपको इडियम्स फ्रेज करा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट SSCPO वालों के बच्चों के लिए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के आपको मैं करा रही हूँ। तो जाइए, आप एक बार रिविज़न कर लीजिए, सारे देख लीजिए वहाँ जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। कल जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, जो कल मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाया था, वो था हमारा 1 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का। ये हमारा 1 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे कल एक्सप्लेन किए सारी चीज़ें, वैसे ही हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करती जाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। माधुरू एंड आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आपको एक एरर दिख गई। माधुरी एंड आई, ये क्या है? यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, वर्ब हम कौन से यूज़ कर रहे हैं? प्लूरल। हैव हम प्लूरल वर्ब यूज़ करें तो ऑब्वियस है, हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो माई नहीं बल्कि आर आएगा। आवर इसलिए आएगा क्योंकि माधुरी और आई यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, और दो के लिए हम क्या माई नहीं बल्कि आवर यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको बताया था प्रोनाउन के केस में। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाले में एरर है, प्रोनाउन में, ये आपको मैंने पढ़ाया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, वही है। ये तीन इसमें सेंटेंस में बताना है कौन से में एरर है, यदि किसी में एरर नहीं है तो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन नो एरर कर देना है। ओके, सुनीता इज़ फीलिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल टूडे बिकॉज शी इज़ इल, सो सी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर आ वाइल। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट में, आपको याद हो तो, अगर आपने पढ़ा होगा तो। यहाँ पे लिटिल नहीं बल्कि अ लिटिल आएगा। जब मैंने आपको बताया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था अ लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, और मैंने बताया था हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, तो अनकम्फर्टेबल के लिए हम अ लिटिल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, सुनीता इज़ फीलिंग लिटिल नहीं अ लिटिल, अ लिटिल का मतलब होता है कि सुनीता थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही है। तो उस केस में हम यहाँ पे अ लिटिल यूज़ करेंगे। फिर भी नहीं समझ में आओ तो आप देख लेना, फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट की, उसी में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, फर्स्ट या सेकंड पार्ट में, तो उसके पहले वाले में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, डिनाउंस का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए किसको, जस्टिस एंड ऑपरेशन। तो आपने देखा ऑपरेशन तो हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब उत्पीड़न, किसी से ज़बरदस्ती करना, वो हमारा ऑपरेशन होता है, एक हमारा नेगेटिव वर्ड है। लेकिन जस्टिस क्या है, जस्टिस हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो उसको हम नेगेटिव वर्ड के साथ यूज़ नहीं कर सकते। हम क्रिटिसाइज ऑपरेशन को कर सकते हैं लेकिन जस्टिस को नहीं कर सकते, ये तो हमारा क्या है पॉजिटिव वर्ड। तो यहाँ पर जस्टिस की जगह इनजस्टिस आना चाहिए, तो यहाँ पर जस्टिस गलत है, इसलिए सेकेंड वाले में हमारे एरर है, क्योंकि जस्टिस की जगह इनजस्टिस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, यहाँ इसके साथ भी हम नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। और डिनाउंस का मतलब होता है किसी को त्याग देना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना किसी की। ओके, तो यहाँ पे हमें किसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, जस्टिस को नहीं अनजस्टिस को बल्कि, तो इसमें सेकेंड वाले में एरर है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक नेहा इज़ वाइजर एज सोनाली। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, डिग्री में पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे या तो एज वाइज एज आना चाहिए, पहले वाले में एरर है, यहाँ बता दो, आ वाइज एज की जगह या तो यहाँ पे एज वाइज एज आना चाहिए, या फिर, और यदि आप वाइजर का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे वाइजर के बाद देन आना चाहिए। ये मैं आपको डिग्री में बताऊँगी, ये मैंने आपको डिग्री पढ़ाई नहीं है, तो पहले वाले में यहाँ पे एरर है। आ वाइजर इसकी जगह या तो एज वाइज एज यूज़ करेंगे या फिर वाइजर देन यूज़ करेंगे। ओके, याद रखना, अगर आगे कभी किसी सेंटेंस में आपको इस तरह का देखने को मिले एरर, तो वहाँ पे बिल्कुल सही कर देना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू राज हु इज़ द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम एंड अनडाउटली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन दिल्ली। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज़, इसमें क्या है आपको फिल करना है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। द एग्जामिनेशन विल कमेंस डेस नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए द एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन या फिर फ्रॉम, कमेंस फ्रॉम आएगा यहाँ पे। फ्रॉम क्यों आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस का अगर आप मतलब समझते हो तो क्या है, यानी परीक्षा जो एग्जामिनेशन है अगले वीक से शुरू होंगी, तो कमेंस ऑन नेक्स्ट वीक नहीं आएगा, कमेंस
कमेंस सिंस नेक्स्ट वीक नहीं आएगा, कमेंस विद नहीं, यानी अगले हफ्ते से शुरू होंगे, अगले वीक से शुरू होंगे, तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज़ करेंगे, कमेंस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ओके, थोड़ा सेंटेंस का सेंस भी समझिए, इससे आपको और इजी होगा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता सेड दैट शी हैड नेवर डेस अ बुक शी लाइक्ड सो मच, इसका मतलब क्या है सब्जेक्ट का, पहले ये सोचिए ना। सुनीता ने कहा, सुनीता सेड दैट, उसने क्या, शी हैड नेवर डेस अ बुक शी लाइक्ड सो मच, यानी जिस बुक को उसने सबसे ज़्यादा पसंद किया उसे उसने कभी क्या व्यू नहीं किया, या फिर कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, तो या फिर सो इन टू, या फिर हेल्प अप हेल्ड अपॉन, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए कम अक्रॉस इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का जो आप सेंस समझ रहे हो वो क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि सुनीता ने कहा उससे वह किताब कभी नहीं मिली, कभी प्राप्त नहीं हुई जिसे वह पसंद करती थी, तो उसके अकॉर्डिंग कम अक्रॉस आना चाहिए। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, यानी उसे प्राप्त क्या नहीं हुआ, वो बुक कभी नहीं मिली, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम अक्रॉस आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एवरीथिंग हिंग्स टेस व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग हिंग्स अपॉन आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हिंग्स अपॉन का मतलब होता है डिपेंड होना किसी के ऊपर, यानी किसी के ऊपर डिपेंड होना, तो यहाँ पे क्या एवरीथिंग हिंग्स अपॉन, यानी सब कुछ क्या डिपेंड ही तो करता है कि आगे क्या होगा, क्या होता है, तो ये डिपेंड तो करता है, तो हिंग्स अपॉन यहाँ पे आएगा क्योंकि हिंग्स अपॉन का मतलब होता है डिपेंड होना किसी पे, याद रखना इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 हर फादर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली कॉल फॉर कॉल अप कॉल एट कॉल इन अ डॉक्टर, ये चार आपके यहाँ पे फ्रेजल वर्ब लिखी हुई हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, मैं चारों के मतलब आपको समझा देती हूँ, स्लो स्लो बोलूँगी, इसको लिख लेना क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत आते हैं ये, हो सकता है आपको आगे वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना या फिर कुछ मांगना। ओके, एंड कॉल अप का मतलब होता है किसी को याद करना। ओके, कॉल अप का मतलब होता है किसी को याद करना, लिख लेना नोटबुक में, स्लो स्लो बोल रही हूँ। एंड कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे विजिट करना। नेक्स्ट वन इज कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है अंदर बुलाना। तो आपने चारों के मतलब देखे, अब आपको समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस क्या चाह रहा है हमसे। इसका मतलब हर फादर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली कॉल, इसमें आना चाहिए कॉल फॉर आना चाहिए, कॉल फॉर का मतलब है ना किसी को बुलाना, क्योंकि उसके पापा मर गए क्योंकि उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया इमीडिएटली, तो कॉल फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो यहाँ पे आना चाहिए कॉल फॉर। चारों के मतलब मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दिए, लिख लेना एक जगह, आगे एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो हिज ब्रदर इज़ ब्लाइंड ही इज़ वेरी फास्ट, हमेशा याद रखना फास्ट एट समथिंग होता है या फिर गुड एट, जैसे कि फास्ट एट समथिंग होता है या फिर गुड एट समथिंग होता है, जब गुड एट समथिंग हो फास्ट एट समथिंग तो हमेशा एट का यूज़ करेंगे, तो फास्ट एट समथिंग यहाँ पे सही है, याद रखना गुड एट समथिंग होता है, फास्ट एट समथिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेट सर्कल, इसमें हम आपको सिनोनिम्स बताने हैं। ओके, सबसे पहला है परफिडियस, मैंने आपको वोकैब कराई थी वहीं से वर्ड आपको याद हो, तो परफिडियस का मतलब मैंने क्या बताया था, जो डिसलॉयल हो, जो बेवफा हो, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन आपको अलग ही दिख रहा है यहाँ पे, परफिडियस का मतलब होता है बेवफा, तो वो हो गया डिसलॉयल, जिसको हम बोलेंगे इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एपरिशन, एपरिशन का मतलब होता है भूत प्रेत आत्मा जिसको हम बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला स्प्रिट, स्प्रिट का मतलब भी जैसा कि आप लोग जानते हो भूत प्रेत या फिर आत्मा होता है। नेक्स्ट वन सारे वर्ड्स वही हैं जो मैंने आपको क्लास में 1000 वोकैब सीरीज चल रही है वहीं से आए हुए हैं मोस्टली इसमें से। इंसोलेंट, इंसोलेंट भी मैंने आपको कराया था याद हो तो, अगर आपने सारी सीट मेरी कही होंगी जितनी मैंने कराई तो सारे वही हैं। इंसोलेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि मैं आपको बताया था इसका मतलब बोल्ड होना, ढीट होना, तो ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला बोल्ड या फिर ढीट जिसका मैंने बताया था। नेक्स्ट वन इज इन द फॉलोइंग, इसमें सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब भी मैंने आपको बताया था याद हो तो, सॉर्डेड का मतलब होता है गंदा, कमीना, लोभी, कंजूस, ये सारे सी के सिनोनिम्स होते हैं। अब देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या है। ओके,
अनप्लीजेंट पहला ही मिल गया, आगे कहीं बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा, जो बेकार हो, तो उसको हम अनप्लीजेंट कह सकते हैं, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है जो पतला होता है, पतला। मैंने आपको बताया था ये वर्ड भी, सारे वर्ड कराए हुए हैं आपको मैंने, याद रखना। टेनुअस का मतलब होता है पतला, तो यहाँ पर ये रहा फोर्थ वाला थिन। थिन का मतलब भी होता है पतला। नेक्स्ट हमारे ये हैं हमारे अपोजिट वर्ड, तो यहाँ पे हमें एंटोनिम बताने। बेबल, बेबल का मतलब आपको याद है, मैंने बताया था बबली बहुत ज़्यादा बेबल करती है, यानी बकबक करती है, फालतू की बातें करती है, आपको याद हो तो मैंने ये कराया था ये वाला भी वर्ड आपको। तो बेबल का मतलब होता है बकबक करना, ज़्यादा बोलना, तो इसका हो जाएगा क्वाइट। सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि क्वाइट का मतलब होता है शांत, तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्वाइट, सेकंड वाला। नेक्स्ट वन इज डेरिसिव। डेरिसिव का क्या मतलब होता है, डेरिसिव का मतलब होता है उपहासपूर्ण, यानी किसी का उपहास उड़ाना, उसको बोलते हैं डेरिसिव। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल, यानी किसी की रिस्पेक्ट करना। ओके, तो डेरिसिव का अपोजिट हो जाएगा रेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट देखते हैं रैकलेस। सारे वही आ रहे हैं जो मैंने आपको कराए हुए हैं 1000 वकैब सीरीज में, याद रखना आप। रैकलेस भी मैंने आपको बताया, सब बताएं आपको, मोस्टली मैंने आपको बताएं। रेकलेस का मतलब क्या होता है, मतलब असावधान, उसको हम बोलते हैं रेकलेस। तो इसका आ जाएगा कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधान, सतर्क। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त, तो इसका हो जाएगा पब्लिक। पब्लिक यानी पब्लिक के लिए फैला हुआ, जो गुप्त ना हो उसको हम बोलते हैं पब्लिक। नेक्स्ट देखते हैं रैक। रैक का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, तो इसका हो जाएगा बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है किसी को निर्माण करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अब ये दे रखें इन द फॉलोइंग फोर अल्टरनेटिव्स, ये आपको बता रहे इडियम एंड फ्रेजम में बताते हैं। स्वेल्ड हेड, ये मैंने आपको कराया हुआ है यहाँ अन अकेडमी पर, जो हमारी 1000 चल रही है सीरीज इडियम्स एंड फ्रेजेस की, वहाँ पर मैंने आपको बताया स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड का मतलब आपको मैंने बताया था ना, टू बी कॉन्सीट, टू बी एरोगेंट, यानी घमंडी होना, घमंड होना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, टायर्ड टिमिड ड्रीमर प्राइड। प्राइड हो जाएगा, क्योंकि प्राइड का मतलब होता है घमंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंटोनियम हमारा क्या है, टू सॉ द ड्रैगन्स टीथ। ये भी मैंने आपको बताया अन अकेडमी पे, बताया कि नहीं, ये सारे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सीपी वाले बच्चे ज़रूर जाके अन अकेडमी पे 1000 idioms phrases ज़रूर करें, क्योंकि वो मैंने इंपॉर्टेंट कराए जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, तो जाके ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं आपको। टू सॉ द ड्रैगन्स टीथ, इसका हो जाएगा टू डिस्टर्ब द वर्क, नहीं टू सस्पेक्ट, नहीं टू टेक सम एक्शन, इसका होगा टू टेक सम एक्शन, यानी कोई एक्शन लेना। नेक्स्ट वन इज गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है अवॉइड करना किसी को, तो इसका ये रहा फोर्थ वाला। गेट अराउंड का मतलब होता है अवॉइड। टू गजल वंस ब्रेन, इसका मतलब क्या होता है, टू थिंक हार्ड, तो इसका ए वाला ही हो जाएगा, टू थिंक हार्ड। टू गजल वंस ब्रेन है ना, टू थिंक हार्ड, ये भी मैंने आपको कराया है, सारे वही कराए हुए आ रहे हैं, बस टेंशन मत लीजिए, जो कराती आ रही सब करते जाइए। ब्रोक परसियंस हेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू यूज़ बैड ग्रामर, तो इसका पहला वाला सही है। मैंने ये वाला ट्रिक को, उस ट्रिक के साथ आपको बताया था कि पर्सियन के लोग क्या यूज़ करते हैं बैड ग्रामर, तो ये मैंने आपको ट्रिक के साथ समझाया था वहाँ पे। नेक्स्ट वन है इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको इम्प्रूव करना है। नो सूनर आई सॉ द लिजार्ड देन आई रेन अवे, देखो आपको देखते ही पता चल गया, जब मैंने आपको कंजंक्शन सारे पढ़ाए हुआ आ रहा है, कुछ अलग से नहीं, जब मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि नो सूनर के साथ हम देन यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है, नो सूनर के साथ देन यूज़ हो रहा है। हार्डली स्कार्सली के साथ वैन यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था। एक और चीज़ मैंने बताई थी, यदि नो सूनर या फिर हार्डली स्कार्सली वाक्य के स्टार्टिंग में हो तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, आपको याद हो तो मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाया ये। तो यहाँ पे नो सूनर हमारी स्टार्टिंग में आ रही है, तो उसके पहले क्या आएगा, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो उसमें कहाँ है ऑक्सिलरी वर्ब पहले, तो थर्ड वाला पोर्शन है ना, थर्ड ऑप्शन, नो सूनर डेड, क्योंकि नो सूनर के बाद हमारी डेड क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। आप रिविज़न कर लेना, कंजक्शन में पढ़ाया मैंने ये सब आपको। नेक्स्ट वन इज रोहित डिड मैनी मिसचीफ, इसका आंसर मुझे सच में नहीं पता था, लेकिन SSC ने जो आंसर दिया हुआ है इसका, वो आंसर दिया हुआ है रोहित कमिटेड मैनी मिसचीफ, लेकिन मुझे इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है कैसे दिया है। लेकिन जो अगर हम SSC की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू SSC ने इसका आंसर
ए वाला दिया हुआ है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन इज द पुलिस ब्रोक अवे द कंसर्ट एज इट टर्न्ड वायलेंट। तो यहाँ पे ब्रोक थ्रू आएगा, ब्रोक अप आएगा, ब्रोक ऑफ आएगा, फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो ये बताने से पहले मैं आपको ये चारों चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ब्रोक अवे, ब्रोक थ्रू, इन सब के मतलब क्या होते हैं। आप नोटबुक लीजिए, साइड में लिखिए सारी चीज़ें। स्लो स्लो बोल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं जो कि एग्ज़ाम में आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोक अवे की। तो ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब होता है किसी ग्रुप से अलग होना, यानी किसी चीज़ से अलग होना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रोक थ्रू। ब्रोक थ्रू यानी ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई नई खोज करना। ओके, टू सर्च समथिंग न्यू। ओके, ब्रेक थ्रू का मतलब ब्रोक अप। ब्रोक अप का मतलब होता है टू स्टॉप अ फाइट, स्पेशली अ फिजिकल अल्टरकेशन, यानी किसी फाइट को रोकना, यानी बल से किसी प्रदर्शन को ख़त्म करना या फिर किसी फाइट को रोकना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रोक अप। ओके, ब्रोक अप की बात करते हैं ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है किसी से रिलेशनशिप तोड़ना, टू एंड रिलेशनशिप और टू फिजिकली सेपरेट फ्रॉम समथिंग। इसका मतलब होता है किसी से संबंध तोड़ना या फिर टू फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, ये दोनों मतलब होते हैं ब्रेक ऑफ के। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इसकी मतलब हो रही है कि पुलिस ने क्या किया था, पुलिस ने कंसर्ट को रोक दिया क्योंकि वहाँ पे वायलेंट हो रहा था। ओके, हिंसक हो रहा था, इस वजह से पुलिस ने रोक दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टॉप किया जा रहा है, यानी बल से ही तो रोकेगी पुलिस। वैसे जब सभी लोग वायलेंट हो जाएंगे तो वहाँ पे पुलिस को अपनी फोर्स यूज़ करनी पड़ती है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रोक अप का यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रोक अप का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ब्रोक अप का मतलब होता है टू स्टॉप अ सम, टू स्टॉप अ फाइट, स्पेशली बाई फिजिक और स्पेशली अ फिजिकल अल्टरकेशन, यानी किसी चीज़ को फोर्स के थ्रू रोकना। तो यहाँ पे ब्रेक अप आएगा। ओके, अगर आपको फिर भी थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा स्पीड कम कर लेना और आराम से सुन लेना आप वीडियो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट, रीना कैन नॉट पुट फोर्थ विद हर नेस्टी फेलो। ओके, पुट फोर्थ विद हर नेस्टी फेलो, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पुट फोर्थ की जगह या तो आ सकता है पुट, पुट इन आ सकता है, पुट आउट आ सकता है, पुट ऑफ, पुट अप या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं पुट अप विद, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है रीना कैन नॉट पुट फोर्थ विद हर नेस्टी फेलो। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस का मतलब निकल के आ रहा है वो पहले मैं आपको सही जो आंसर है वो बता देती हूँ। रीना कैन नॉट, यहाँ पे आएगा पुट अप विद हर नेस्टी फेलो, क्योंकि पुट अप इसलिए आएगा क्योंकि पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, और यहाँ पे सेंटेंस का मतलब आ रहा है कि रीना उसके जो गंदे साथी हैं, बेकार साथी हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती, पुट अप। तो यहाँ पे हमारा आया जाएगा पुट अप विद हमारा सही ऑप्शन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा थर्ड वाला। अब इन सब के मतलब आपको बता देती हूँ। पुट फोर्थ का मतलब होता है टू एक्सपेंड समथिंग, या फिर किसी चीज़ को एक्सपेंड करना या फिर किसी चीज़ को प्रकाशित करना, उसको मतलब होता है पुट फोर्थ, है ना। और ये बचा हुआ पुट इन, पुट इन का मतलब होता है टू सबमिट और टू एंटर समथिंग, या फिर टू स्पेंड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग समथिंग। ओके, टू सबमिट या टू एंटर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सबमिट करना या फिर एंटर करना, और वो क्या होता है पुट इन होता है। और बात करते हैं पुट आउट की। पुट आउट का मतलब होता है टू अपसेट या फिर इरीटेट समवन, यानी किसी को अपसेट करना, परेशान करना, इरीटेट करना, वो होता है हमारा पुट आउट। तो यहाँ पे आपने देखा सबके मतलब मैंने बताया, और यहाँ पे राइट आंसर हमारा पुट अप है, क्योंकि पुट अप, पुट अप विद, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। ओके, तो यहाँ पे पुट अप विद हमारा सही सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज द किड जम्प्ड द किड जम्प्ड विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। देखो मेरे हिसाब से तो मुझे सही लगा था ये, लेकिन जब बात करते हैं एसएससी की, तो आंसर एसएससी ने इसका आंसर दिया हुआ है क्लाउन, यानी थर्ड वाला आंसर दिया हुआ है, क्योंकि डड, पहले बात करते हैं डड, डी यू डी डड, डड का मतलब क्या होता है, मतलब फालतू की चीज़ों को हम डड बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रफियन, रफियन का मतलब होता है जो गुंडे मवाली होते हैं उसको हम रफियन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्लाउन, क्लाउन का मतलब होता है जो अपने कपड़ों से या फिर अपनी स्टाइल से, अपने कपड़ों से या फिर अपनी स्टाइल से दूसरों का, लोगों का मनोरंजन कराते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, उसको हम क्लाउन बोलते हैं।
और जोकर हम उसको बोलते हैं जो अपनी बातों से मनोरंजन कराता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो नो इम्प्रूवमेंट समझा था इसमें आंसर, लेकिन एसएससी ने इसका आंसर क्लाउन दिया हुआ है। तो क्लाउन दिया हुआ है तो आप लोग भी क्लाउन कर लेना। बस क्लाउन और जोकर में इतना डिफरेंस होता है कि जोकर तो अपनी बातों से एंटरटेन करता है लोगों को, और क्लाउन क्या करता है अपने कपड़ों से और अपनी स्टाइल से मनोरंजन यानी एंटरटेन करता है लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्लाउन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टर सेलेक्ट विच वन इज़ बेस्ट सूटेबल। तो यहाँ पे हम सूट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या है, हमारे वन वर्ड है, इसको बताना है आपको। टू मूव अलोंग विथ क्वैक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स, इसका मतलब होता है जो टेढ़े मेढ़े चलता हो, जैसे ऐसे ऐसे करके जो चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिगल, WRIGGLE, रिगल बोलते हैं उसको हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुट ऑफ फॉर आ फ्यूचर टाइम, पुट ऑफ फॉर आ फ्यूचर टाइम उसको हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेट। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रीडी फॉर मनी, इसको हम बोलते हैं रैपेसियस। रैप करने वाले लोग कैसे होते हैं, रैपेसियस होते हैं, ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, ये ट्रिक के साथ मैंने आपको समझाया था ये। नेक्स्ट वन इज, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो आंसर है वो आपको बताती जा रही हूँ। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, यानी धीरे धीरे बोलना, मिनमिनाना, उसको हम बोलते हैं विस्पर। विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, बिल्कुल मिनमिनाना। सर्च फॉर समथिंग, उसको हम बोलते हैं क्वेस्ट, यानी किसी चीज़ की खोज करना, तलाश करना, उसको हम बोलते हैं क्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग फॉर अल्टरनेट, इसमें आपको क्या करना है, जो इनकरेक्टली स्पेल्ट है उसको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं एप्रिशिएशन, सही है, अप्रोप्रिएट भी सही है, एपियरेंस, एपियरेंस गलत है, क्योंकि एपियरेंस की स्पेलिंग होती है APPERANCE, यहाँ पे AP, तो पी की जगह डबल पी है, तो थर्ड वाला हमारा गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला हमारा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन इज इन द, ये भी हमारा चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ये बताना है कौन सा गलत है। कोएलिशन सही है बिल्कुल, कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट हमारा गलत है, क्योंकि कोएफिशिएंट की स्पेलिंग होती है COEFFICIENT, तो यहाँ पे CO के बाद E नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए सेकंड वाला हमारा गलत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कन्वीनियंस बिल्कुल सही है, कस्टमरी सही है, कोवेशियस ये तो मुझे, कोवेशियस गलत लग रहा है, आई थिंक कोवेशियस की स्पेलिंग होती है COVETOUS होता है उसमें, कोविशियस में TOU, हाँ तो ये हमारा गलत है, इसमें थर्ड वाला गलत है, क्योंकि स्पेलिंग दे रखी है COVETUS, ये स्पेलिंग होती है TOUS होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है यानी तीव्र इच्छा से। ओके, तो ये हमारा TOUS आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 89 एंड 90। लेनियंट गलत है, क्योंकि लेनियंट की स्पेलिंग होती है LENI आता है पहले, फिर ई आता है, फिर NT आता है, इसमें ई पहले दे रखा, आई बाद में दे रखा, तो ये हमारा पहला वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। सब्सिक्वेंस सही है, सेक्रेटेरिएट ये गलत है, ई नहीं आता है सेक्रेटेरिएट में, यहाँ से ई हट जाएगा, तो ओनली SECRETARIET आ जाएगा, तो ये वाला सही है। और बात करते हैं इसकी क्लोज टेस्ट की और पैराग्राफ की, ये मैंने आपको कल बता दिया कैसे सॉल्व किए जाते हैं, अब मैं आपको नहीं सॉल्व कराने वाली हूँ, क्योंकि ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी इन लोगों, क्योंकि मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, मैं तो इन्हें ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, आप लोग कीजिए, मैं कल बता चुकी हूँ ट्रिक के साथ कि कैसे आपको एग्ज़ाम में कैसे ट्राई करने, तो कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, वहाँ से आप ट्राई करिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने सजेशन कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो वीडियो के नीचे, बताइए आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अनअकैडमी पे जाकर ज़रूर वीडियोस को देखिए। थैंक यू सो मच।